आम अनार यानी पोमोग्रेनेट के बारे में पढ़ेंगे। अनार का वानस्पतिक नाम बोटनिकल नेम प्यूनिका ग्रेनेटम है। अनार का कुल फैमिली प्यूनिकेसिया लिथ्रेसिया। अनार का उत्पत्ति स्थान ओरिजन पैलेस ईरान है। अनार का खाने योग्य भाग एडिबल पार्ट एरिल या जूसी सीड कोड है। अनार का फल प्रकार फ्रूट टाइप बालस्टा है और अनार एक नॉन क्लाइमेट्रिक पौधा है। अनार में परपरागण होता है। इसके अलावा अनार को ईरान के राष्ट्रीय फल के नाम से भी जाना जाता है। अनार में गुणसूत्र संख्या 2n = 18 होती है। अनार का पुष्पक्रम हेपेनथोडियम कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनार के उपयोग। अनार का रस कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। अनार का उपयोग अनारदाना बनाने में किया जाता है और अनारदाना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म अमली दाना है, जो कि गणेश और नन्ना किस्म के संकरण के द्वारा विकसित की गई है। इसके बाद हम अनार की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। अनार का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। अनार में अम्लता सिट्रिक अम्ल के कारण होती है और अनार में कठोरता टैनिन के कारण होती है। इसके अलावा अनार में बहुतन्ना प्रणाली अपनाई जाती है। इसके बाद है संस्थान इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है और अनार उत्कृष्टता केंद्र डिडोल बस्सी जयपुर में स्थित है। इसके बाद हम अनार की जलवायु क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अनार एक उपोष्णीय जलवायु का पौधा है, जो कि पाला लवणीय सारी है मर्दा व सूखे को सहन करने की क्षमता रखता है। अनार में पौधरोपण अनार में पौधरोपण की सामान्य दूरी 5x5 मीटर रखते हैं और पौधरोपण का उपयुक्त समय फरवरी मार्च है। इसके बाद अनार का प्रवर्धन कठोर काष्ठ कलम द्वारा हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। इसके प्रवर्धन की अन्य विधि एयर लेयरिंग या उत्तक संवर्धन है। अनार में जड़ फुटान हेतु 2000 ppm IBA का उपयोग किया जाता है। पुष्पन अनार में वर्ष में 3 बार पुष्पन होता है, जिसे बाहर कहा जाता है। फर्स्ट है अंबे बाहर, जिसमें पुष्पन फरवरी मार्च में होता है और फलन जुलाई अगस्त में। सेकंड है मृग बाहर, जिसमें पुष्पन जून जुलाई में होता है और फलन नवंबर दिसंबर में। थर्ड है हस्त बाहर, जिसमें पुष्पन सितंबर अक्टूबर में होता है और फलन फरवरी मार्च में। उपयुक्त बाहर सिंचित क्षेत्र में अंबे बाहर सबसे उपयुक्त होती है और असंचित क्षेत्र में मृग बाहर सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद हम अनार की उन्नत किस्मों के बारे में पढ़ें। अनार की सिंदूरी किस्म भारत में सबसे प्रचलित किस्म है। गणेश महाराष्ट्र में प्रचलित है। ढोकला गुजरात में प्रचलित है। जोधपुर रेड में फल फटने की मुख्य समस्या पाई जाती है। जालोर सीडलेस सारी मर्दाव हेतु उपयुक्त है। कंदारी का दाना कठोर होता है। वंडरफुल इसमें 700 ग्राम के फल आते हैं, जो कि USA के द्वारा विकसित है। इसके बाद है मृदुला गोमाकत्ता जोधपुर सीडलेस। अनार की अन्य किस्में पेपर सेल मस्कट आलंदी ज्योति रूबी G137 है। इसके बाद हम अनार के रोग डिजीज के बारे में पढ़ें। अनार का मुख्य रोग जीवाणु अंगमारी है, जो कि जैंतोमोनास एक्जोनोपोडिस के द्वारा होता है और इसका प्रबंधन 250 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा करते हैं। अनार का मुख्य कीट इंसेक्ट अनार की तितली है, जिसका वैज्ञानिक नाम वीराकोला आइसोक्रेट्स है। इसका प्रबंधन फ्रूट रेपिंग या बैगिंग के द्वारा करते हैं। अनार के देहिक विकार अनार में फल फटने की मुख्य समस्या पाई जाती है, जो कि बोरोन पोटेशियम व कैल्शियम की कमी व नमी असंतुलन के कारण होता है। अनार में मुख्य क्रियाएं अनार की मुख्य क्रिया निपिंग है, जिसमें उत्पादन बढ़ाने हेतु शीर्ष भाग को काट लिया जाता है।
और फल तुड़ाई की प्रक्रिया टैपिंग कहलाती है। अनार के भंडारण हेतु 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।